जब भी किसी गांव के अंदर कोई सरपंच बनता है या फिर कोई भी राजनीतिक पद के ऊपर बैठता है तो उसके पास एक पावर होती है कि वो बजट पास करवा सकता है ताकि गांव का विकास करा सके। लेकिन अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि घोटाले बेहद ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज तक वो घोटाला उजागर करने वाला कोई मिला नहीं है। तो आपको बता देते हैं, हिसार शहर से साथ लगते हुए आर्यनगर गाँव के अंदर 1 करोड़ों रुपये का घोटाला उजागर हुआ है। और ये घोटाला उजागर किया है इन 3 से 4 बुजुर्गों ने। होता क्या है तो आपको बताती हूँ। इन बुजुर्गों का कहना है कि इन्होंने RTI लगाई थी, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत इनके पास ऐसी ऐसी जानकारी मिली है जो अभी, हालांकि हम उनको जो है वर्तमान का सरपंच भी नहीं कह सकते, पूर्व सरपंच भी नहीं कह सकते, जब तक इलेक्शन नहीं होता उस सरपंच के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। और साथ ही साथ BDPO के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। और घोटाला कैसे किया गया है आपको बताते हैं कि कुछ भवन बनवाने थे जिसके अंदर दिखाया गया है कागजों के अंदर कि जो है मैग्ना गाड़ी के अंदर, i10 मैग्ना गाड़ी के अंदर 15,000 ईंटें लाई गई हैं। लेकिन जब RTI लगाई गई तो उसके अंदर पता लगा कि कोई ईंटें गांव के अंदर आई ही नहीं है। इसके अलावा ये तक बताया गया कि बाइक के ऊपर बजरी ढोई गई, लेकिन वो बजरी आई ही नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे घोटाले आर्यनगर गांव को लेकर के, जो कहीं ना कहीं जो है स्पीकर रणबीर गंगवा का भी गांव माना जाता है। मुझे ये बताइए, आज आप कौन से घोटाले उजागर करने वाले और आपके पास क्या सबूत है? हमारे पास मान लो गाँव के काफ़ी सबूत हैं, जो कि कम से कम काफ़ी करोड़ रुपये का घोटाले, जिसके अंदर ये ऐसी चौपाल बनी थी, उसके अंदर एक गाड़ी दर्शाई गई जिसका नंबर HR20AD3747, जो कि ये गाड़ी एक मैंगना कार, छोटी कार है, उसके अंदर ये ईंटें दिखाई गई है। और एक मोटरसाइकिल दिखाया गया, ये मोटरसाइकिल का नंबर है HR20X2010, जिसके ऊपर 100 कट्टे सीमेंट वह 1500 रुपये किराया इसका लदाई का अलग ले लिया उसने। और गांव के अंदर मान लो जो भी 80 चौपाल बनाई उसके अंदर ऐसा घटिया कार्य किया है, कंडम सरिये लगाए गए, कंडम सीमेंट लगाई गई, आप अगर उसकी फोटो देखोगे और वहां जाके देखोगे, जांच करोगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं लगाया गया। इनका कहने का मतलब है कि ये एक SC BC की चौपाल बनाई जा रही थी, जिसके अंदर बताया गया कि एक मैग्ना गाड़ी के अंदर 15,000 ईंटें मंगवाई गई हैं, इसके अलावा सीमेंट और बजरी बाइक के ऊपर मंगवाई गई है, लेकिन वो लगा ही नहीं, वो आया ही नहीं है। इसके अलावा अगर वो चौपाल की बात की जाए तो चौपाल के अंदर ऐसी घटिया सामग्री यूज़ की गई है कि वो हाथ लगाते ही गिर जाएगी, ऐसे सरिये इस्तेमाल किए गए हैं जो शायद बारिश आते ही ढह जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, आपने ये RTI लगाई थी, कब लगाई थी ये? जी मैंने पहले शिकायत की थी उपायुक्त महोदय को, DC साहब को, 28/1/2020 को, जो कि आज करीब 2 साल 8 महीने हो गए। उसके बाद में 20/2 को मैंने CM विंडो लगाई थी, लेकिन जो भी शिकायतें करते हैं हम उसको क्या करते हैं, ये ऑफिसर यहाँ के झूठे फर्जी साइन करवा कर, किसी चलते से क्राइमिनल आदमी के साइन करवा कर ये उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करवा देते हैं। जब इनके पास आते हैं तो आप DDPO के पास जाओ, DDPO के पास जाते हैं तो कहते हैं BDO के पास जाओ, BDO को पूछो तो बोला जय साहब आएगा आपको गांव में, चलो हम आते हैं, लेकिन कोई नहीं आता वहां पे अधिकारी। सबसे पहले घोटालों की बात करेंगे, ये 2 घोटाले आपने बताए, इसके अलावा मुझे बताइए कौन सा घोटाला है आपके पास? ये जो बिल है, ये जो पेमेंट हुई है, मान लो उसके भाई व उसके भतीजे को पेमेंट करिए, उसने फर्जी पेमेंट की है 2 AC चौपाल के अंदर है, ठीक है, ताकि इसके अंदर मान लो ये जो बिल है ये उसने एक डुप्लीकेट बिल लगाए हैं, ये बिल है, ये अभी ताज़ा बनवा के लगाया है, इसके अंदर मान लो जो इसके दरवाजे खिड़की 50,000 रुपये की कीमत के भी नहीं लगे हुए हैं, और इसके अंदर उसने दिखा दिया 1,63,341 रुपये, ठीक है, एक 4 दरवाजे और 6 विंडो के अंदर 2.5 लाख रुपया दिखा दिया। और आप जो भी बड़ा अधिकारी अगर गाँव में जाके देखे उस चौपाल की, और कम से कम भी हमारी काफ़ी शिकायतें हैं, उनकी जांच करने के लिए हमें बुलाते हैं, कहते हैं हम आएंगे, तारीख दे देते हैं, और तारीख के ऊपर मालिक कोई नहीं आता हमारे को, हम यहाँ आएंगे
फिर कहना आज टाइम नहीं है, फिर आएंगे। ठीक है, आपको बता देती हूँ, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर गांव की बात की जाए तो गांव के अंदर अक्सर ये मुद्दा उठता है कि सड़कें पक्की नहीं है, भाई सड़कें पक्की करवाई जाए। लेकिन डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा दावा करते हैं कि वो जहाँ पर भी जाते हैं उनके जितने भी गाँव है वहाँ पर पक्की सड़कें। मुझे आप ये बताइए कि अगर सड़कों की बात की जाए तो कितनी सड़कें जो है पक्की बनवाई गई है और कितना एस्टिमेशन जो है इन कागजों के अंदर लगाया गया है? ऐसा है जी, करोड़ों रुपए खा गए ऐसी गलियां में है जो बड़ी नहीं बनी नहीं, उनके बिल लगा रखे हैं। अभी तक मौके पर हमने शिकायत की कि आप जा कर के देखिए, मौके पर जाके देखिए गली बनी हुई नहीं है। गांव आ रही है नगर में, रुदास रोड पे है, रुदास रोड से रामेश्वर सोनो पुत्र बनवारी की गली का उसने बिल बनाए हैं 6,75,000 के, लेकिन ये गाँव में कोई गली बनी ही नहीं है, अभी तक बनी नहीं है। कागजों के अंदर सबूत देखना चाहेंगे, कहाँ पर लगवाया है आपने? ये हमने RTI से प्राप्त किए सारे। ये देखो रामेश्वर, रुदास रोड से रामेश्वर वाली गली, ये बिल लो, ये बिल लो, ये देखो अलग अलग से फर्जी बिल बनवा रखे हैं। इन बिल वाली फर्म पे भी जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरे, अब तीसरे घोटाले की तरफ चलते हैं। तीसरा घोटाला कौन सा किया है? तीसरा वकील का है एक। हाँ। जबकि रूल ये है कि DDPO ऑफिस जो है सरकारी वकील होता है। हाँ। BDO का वही केस लड़ता है, लेकिन सरपंच ने जो है प्राइवेट वकील करके 2,13,000 रुपये किसी दूसरे वकील के नाम चेक काट दिया। जबकि रूल ये है कि सरकार, ये वकील सरकारी ही केस लड़ेगा, प्राइवेट करना ही नहीं होता, ये रूल है। लेकिन इसने पानी की टंकी दिखाई है, शमशान घाट में पानी की टंकी दिखाई, वहाँ कोई पानी टंकी नहीं है। ये चौथा घोटाला है जो शमशान घाट के अंदर पानी की टंकी बनाने का दिखा दिया, और आपको बता देते हैं पानी की टंकी बनाई ही नहीं गई है। ये ऐसी चौपाल का मामला, इसमें सबूत है सारे। हाँ। ये सबूत है सारे, ठीक है, बिल है ये सारे, बिल्कुल बिलों के साथ जो है बकायदा आपको सारे सबूतों के साथ घोटाले उजागर करते हुए दिखा रहे हैं। इसके अलावा पांचवे घोटाले की बात करें, पांचवा घोटाला कौन सा है? अभी बताते हैं आपको। NP3 RCC पाइप, ठीक है, जो हरियाणा शेड्यूल रेट की आइटम है, ना ही कोई एस्टिमेट बनाया गया। करीबन 14,21,960 रुपए के पाइप खरीदे गए हैं, कहीं गांव में एक भी पाइप नहीं लगा, इसकी जरूरत नहीं होती गांव में। सरकारी रास्तों में पाइप दिखाई वाला लगा दिया हमने, कोई भी सरकारी रास्ता हमारे गांव में नहीं है। 14 लाख का सीधा घोटाला है। इसके बिल, बिल ये सारे हैं, ये बिल है इसके, ये पंचायत कार्रवाई का रजिस्टर है, ये बिल है इसके साथ, ये फर्जी बिल सारे। ये किसी सुभाष ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बिल है, कभी आशीष सिंगला है, कभी सुभाष ट्रेडिंग है, एक ये है। तो क्या आपने ये कंपनियां जा करके देखी कहाँ पर हैं ये हमें तो कागजों में RTI से मिले बिलों के द्वारा, ठीक है, बालाजी आयरन असलियत के अंदर है भी या नहीं है ये कहाँ पर, ये पता नहीं जी कहाँ पर, हमें तो बिल मिले इनके, ये लेकिन वो पाइप नहीं मिले कहीं। ये देखो, ठीक है, छठे घोटाले की तरफ चलते हैं। छठा घोटाला कौन सा है? 31 घोटाले है, वो शमशान घाट का, जिसके अंदर काफी रुपए का मामला गांव में स्ट्रीट लाइट के नाम से घोटाला है। स्ट्रीट लाइट दिखाई 70, गांव में आई 40 ही, ठीक है, और कोई नहीं एस्टिमेट दिया गया और नहीं कार्रवाई रजिस्टर में कोई हवाला। ठीक है, अगला सातवां घोटाले की तरफ चलते हैं। सातवां घोटाला कौन सा है? गंदे पानी पाइप की लाइन के बारे में सुभाष पता होगा कुछ आपको? हाँ। बताओ, ये जो है वर्ष 2000 कितने में लग गया, 2017 में, 18 में बोली हुई थी, 2018 में बोली हुई थी, जो पंचायत का जो पानी है गाँव का इकट्ठे जोड़ में इकट्ठा होता है। पिछली दो बार पहले जो पंचायत थी उन्होंने भी जो है ना पहले बोली की थी, तो उन्होंने पाइपलाइन लगा के नहीं दी, जो बोली दाता था जिसके नाम टेंडर हुआ उसी ने अपनी पाइपलाइन लगा कर अपना पानी लेकर के गया। पंचायत ने पानी की बोली कर दी, ना तो उसके पास पानी था ना उसके पास पंचायती ज़मीन थी, लेकिन उसको 9,00,000–8,00,000 रुपए का पंचायती जो पानी की नीलामी की 9,00,000 रुपए पाइप लाइन लगा करके दे दी, जबकि उसको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पंचायत के पास ना तो पानी है और ना ही ज़मीन है, तो वो जिसको उस कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाया और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, पंचायत के पैसे का दुरुपयोग। अगर सातवें घोटाले की बात करें तो ये क्या वेलकम गेट घोटाला, उसमें क्या है कि दो गांव में कितना करोड़ दिखाया गया और कितने करोड़ का बिल है? काम है सारा 1.5-2 लाख का। ठीक है, अगला घोटाला बताइए मुझे फटाफट।
वकील वाला घोटाला ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला घोटाला है गली निर्माण के लिए, मनीराम की दुकान से जगदीश और जगदीश की दुकान से कृष्ण लुबा, करीबन 9 लाख की पेमेंट हुई है, 2 लाख रुपए का काम है, ठीक है। नोवा घोटाला आपको बताते हैं कि भाई मनोज कुमार से राजकुमार उब्बा की गली, उसमें करीबन ये आपके सामने बिल है 3.5 लाख के, काम है 1 लाख का, ठीक है। दसवां घोटाला आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि रणबीर गंगा की बात की जाए तो उनका ससुराल माना जाता है आर्यनगर, और वहां पर इतने सारे घोटाले। एक गली का निर्माण किया गया है बुस्टिंग स्टेशन से ओम प्रकाश, ठीक है, करीबन उस गली का काम 2 लाख का या 2.5 लाख का हो सकता है, लेकिन 10 लाख के कागज बनाए गए हैं, ठीक है। और दसवां घोटाला उजागर करेंगे। देखिए लगातार जो है इनकी फाइलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बकायदा सबूत और प्रूफ के साथ इतने सारे घोटाले यहाँ पर लेकर गए, नाम काम का घोटाला है, लेकिन हमारे से आज हमारी एक अधिकारी ने मीटिंग ली थी, उसमें कहा भी छोटे से छोटे कागज दे दो जिसमें इनकारी करूँ, 31 कागज दे के आए हुए। तो अभी तक आप लोगों के ये घोटाले की इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही यार? 2022 से लोकायुक्त में केस डाला हुआ है, अभी तक इन्होंने इंक्वायरी के नाम पे लिपा पोती कर रहे हैं, अभी कार्रवाई नहीं करी कुछ उन्होंने। हमारे से कहते सबूत ले आओ, सबूत जब कागज नहीं देंगे तो हम सबूत कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल, आपको बता देते हैं कुल मिलाकर के 31 घोटाले आर्य नगर के अंदर उजागर किए गए, जिसके अंदर इल्जाम और आरोप जो है लगातार अभी सरपंच और आपको बता देते BDPO के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो RTO के अंदर कागजात निकल करके आए हैं वो सभी के सभी आरोप जो है ये 4 बुजुर्ग यहाँ पर लगा रहे हैं। हालांकि चौथे बुजुर्ग आज आए नहीं है, तो आपको बता देते हैं कि अगर में जुड़े हुए हैं साथ, जी, ठीक है। जो कि हर टाइम जो हमारे साथ रहते हैं घोटाले में जांच करने में, अभी पीछे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 209 बेंच खरीदे गए, जिसमें गांव में सिर्फ 47 ही बेंच आए हैं, बाकी बिल बनाए गए फर्जी बिल। एक सूर्या कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है, 18 लाख 71 लाख की पेमेंट फर्जी पेमेंट हुई है, कोई काम हुआ ही नहीं है। अच्छा, आरटीजीसी से बोलते हैं। आम जनता ये जानना चाहती है कि लोग अपने घरों के अंदर बुढ़ापे में आराम करना पसंद करते हैं, तो आप लोग आज यहाँ पर आकर के ये घोटाला उजागर किस वजह से करें? क्या इसके अंदर भी आप लोगों का कोई फायदा है? हमारे कोई फायदा नहीं, समाज सेवक है सारे, ठीक है। 50 आदमी समाज सेवक इस काम के लिए लगे हुए हैं कि गांव में काम कोई हुआ नहीं, फर्जी बिल बनाए गए। अभी आप DO ऑफिस गए थे तो वहाँ पर क्या कहा गया? हम जिला परिषद अधिकारी है श्री प्रीतपाल सिंह जी, GRD ऑफिस में, वहाँ पर आज उन्होंने तारीख रखी थी। वो तो हमारे सबूत मांगते हैं, अरे हमने लिखा हुआ है भी इंक्वायरी करो इसकी, वो कह रहे सबूत दो, अरे सबूत तो हमें कागज दो आप, हमने तो लिखा है इंक्वायरी करो आप, लेकिन हमारे सबूत मांगते हैं, सबूत हमारे पास ले आए हम सारे। तो देखने वाली बात यह है कि आर्यनगर के अंदर जो RTO लगा करके RTI लगा करके जो है ये सारे के सारे घोटाले उजागर किए गए हैं, इसके अंदर से कितने घोटालों के ऊपर इंक्वायरी की जाती है, और BDPO और पूर्व सरपंच या फिर वर्तमान सरपंच कहिए जब तक इलेक्शन नहीं होता उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई की जाती है, क्या पूछताछ की जाती है। और आपको बता देते कि अगर सरपंच और BDPO भी हमारे चैनल के माध्यम से अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इन सभी सबूतों के ऊपर जो है अपनी राय रखना चाहते हैं और आगे आकर के कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। हालांकि अभी जो है ये 31 आरोप जो है लग रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला आज यहाँ पर उजागर हुआ है, क्योंकि करोड़ों का घोटाला जो है आर्य नगर के अंदर किया गया। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? हाँ बोल, ये जी हमने मान ले स्टेट विजिलेंस को लिखी है, देवेंद्र बबली जी को फाइल दी, कम से कम 1.5 महीना हो गया, और यहाँ मंत्री को भी भेजा, एक गृह मंत्री को, सभी को मान ले हमने भेजी, सबूत के साथ भेज रखी है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पूछ के कारण यहाँ के अधिकारी जो भी है उसमें चाहे कोई DDPO चाहे या DCO या कोई भी कमिश्नर हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, जब इनको अगर कोई झूठा मुकदमा बनाना हो तो ये उसको तुरंत घेर लेते हैं, और सच्चाई का मुकदमा होता है तो कोई नहीं पूछता इनको, सच्चाई वाले मुकदमा कभी बनाते नहीं है। इस मामले मेरे खिलाफ सरपंच ने 2 मुकदमे झूठे करवाए, और जोगिंदर शर्मा DSP ने मेरे पर 2 झूठे मुकदमे दर्ज कराए, और मेरे को धमकाया गया भी क्यों तू क्यों RTI लगा रहा है, क्यों तेरा क्या लेना है, तेरा क्या करना है। लेकिन हम उससे कह रहे हैं भी हमारा गांव का काम है, हमारे गांव का विकास कार्य करवाना है,
लेकिन हम अगर मुकदमे कितने ही करवा देना, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, आम जनता को जागरूक होना चाहिए कि उनके गांव के अंदर क्या सामान आ रहा है, कितने पैसों का, कितने एस्टिमेशन का, कितने बजट का काम गांव के अंदर करवाया जा रहा है। और इन बुजुर्गों को सलाम करना चाहूंगा कि इन्होंने आरटीआई लगा करके इस उम्र के अंदर भी घोटाले उजागर करने का काम किया। लेकिन अब देखने वाली बात यह, प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ इंक्वायरी होती है, और जो ये घोटाले उजागर किए गए हैं 31, इनके अंदर कितनी सच्चाई सामने आ पाती है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर आपके गाँव के अंदर भी ऐसे कोई घोटाले हो रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप।